हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ बताने वाली हूँ, जिसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम नेचुरल नेल के ऊपर जो है जेलिंग करके परमानेंट आर्ट कैसे करते हैं, सो उसके स्टेप्स बताइए। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लाइंट वेट कर रही हैं और आज हम जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा वर्क करने वाले हैं विद ज्वेलरी, और वो भी नेचुरल नेल के ऊपर। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। सो ये हमारे क्लाइंट के नेल्स हैं और काफ़ी छोटे हैं, हम इन्हें लॉन्ग तो नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ हमारे क्लाइंट को नेचुरल नेल पर ही चाहिए। सो सबसे पहले हमें नेल पेंट रिमूव करनी है, और अगर हमारे क्लाइंट ने नेल पेंट नहीं भी लगाई होती है तो भी हमें जेल वाइप एसीटोन फ्री के साथ ज़रूर करना है ताकि नेल्स अच्छे से क्लीन हो जाए। जितना भी मॉइस्चर लेवल है वो ड्राई हो जाए, डस्ट है वो भी क्लीन हो जाए अच्छे से। और अब जो है पुशर की हेल्प से करेंगे क्यूटिकल एरिया को पुश सभी नेल्स का। और सभी नेल्स के क्यूटिकल एरिया पुश करने के बाद अब जो है हम शेप अभी ही बना लेंगे, क्योंकि हमें जितनी भी टारगेट लेंथ चाहिए वो अभी ही हमें नीड करनी होगी बिकॉज़ बाद में नहीं हो पाती है ये, इसलिए। सो जो भी हमें शेप क्रिएट करनी है, जैसे कि अभी राउंड कर रहे हैं, साइड्स नीड करके प्रॉपरली राउंड शेप कर देंगे एमरी बोर्ड की हेल्प से। और शेप को नीट करते हुए बहुत ध्यान रखना है कि फ्री एज एरिया में हमेशा एक्स्ट्रा स्पेस ज़रूर छोड़ें ताकि हमारे प्रोडक्ट की लॉकिंग हो जाए प्रॉपरली। और अब जो है सभी नेल्स को हम ब्लॉब ऑफर की हेल्प से ब्लॉब ऑफ करेंगे, मतलब कि अच्छे से ड्राई करेंगे, बट मेक श्योर कि इतना ज़्यादा भी ब्लॉब ऑफ ना करें कि आपका नेचुरल नेल को वो हार्म हो जाए। सो इसलिए हम जो है मैक्सिमम 15 to 25% तक ही ब्लॉब ऑफ करेंगे ताकि हमारा नेल भी हेल्दी रहे और उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी रहे। तो गाइज़, आज जैसे कि इस वीडियो में आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। सो सभी नेल्स को ब्लॉब ऑफ होने के बाद सबसे पहले हम इस तरीके से लगाएंगे डिहाइड्रेटर, तो इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेटर। और डिहाइड्रेटर अप्लाई करने के बाद लगाएंगे हम प्राइमर। सो इस तरीके से जो है पूरे नेल के ऊपर प्राइमर अप्लाई करेंगे अच्छे से, और इसके ड्राई होने का वेट करेंगे। ये नेचुरली ड्राई होता है और इसके जो है हमें क्योर करवाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आता है और ये हमारे शलेक के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें कि हमारे ये नेल की और हमारे प्रोडक्ट की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी बना देता है। और इसे ड्राई होने के बाद जो है अब हम अप्लाई करेंगे बेस कोट, तो बेस कोट बिल्कुल पतली पतली कोट लगाएंगे गाइस, ये जेल फॉर्म में रहेगी। और बेस कोट इस तरीके से अप्लाई करने के बाद जो है हम सभी नेल्स के ऊपर पतला पतला इसे क्योर करवा देंगे। अगर LED है तो 90 सेकेंड, UV लैम्प है तो एटलीस्ट 120 सेकेंड। और बेस कोट के क्योर होने के बाद अब जो है हम अप्लाई करेंगे अपना कलर कोड। सो जैसे कि हमारे क्लाइंट ने चूज़ किया है ग्लिटर वाला कलर, सो इसमें ट्रांसपेरेंट है, ये बेसिकली ट्रांसलूशन फॉर्म में है बट इसमें जो है ग्लिटर के फ्लीक्स हैं काफ़ी अच्छे डल गोल्डन कलर के। सो ये जो फ्लीक्स है एप्लीकेशन के बाद काफ़ी अच्छे लगते हैं और कवरेज बहुत अच्छी देते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 कोट्स में। सो इस तरीके से जो है सभी नेल्स पर पतला पतला अप्लाई करके
हम इसे जो है क्योर करवा देंगे। सभी नेल्स पर मेक श्योर कि पतली पतली कोट ही लगाएं, ज़्यादा थिक ना लगाएं, और नहीं तो आपका जो प्रोडक्ट है पहले वाला और बाद वाला सारे के सारा वेस्ट हो जाते हैं, वो पैच बन के क्योर हो नहीं पाता है और वो सारे के सारा रिमूव हो जाता है। सो इसलिए बहुत ही पतली पतली कोट लगानी है। आप देख रहे हो मैं कितनी पतली पतली कोट लगा रही हूँ, और इसे अब हम क्योर करवा देंगे। और फर्स्ट कोट के क्योर होने के बाद सेम वही प्रोसेस से मैं जो है अप्लाई करूँगी सेकेंड कोट ऑफ जेल पॉलिश, ग्लिटर जेल पॉलिश, और इसे भी हम जो है सभी नेल्स पर एक साथ अप्लाई करके इसे भी हम क्योर करवा देंगे। ये जो पहले वाला था उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना गोल्डन जो है। सो गाइस इस सारे वर्क को क्योर कराने के बाद जो है अब बारी है हमारी एक बार और सेम कोट एप्लीकेशन की, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो है प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है माइलर्स का। सो इस तरीके से सभी ने इसके ऊपर पतला पतला बेस की तरह हमारा जेल पॉलिश का कलर एप्लीकेशन करेंगे। और अब टूथपिक की हेल्प से ये जो माइलर्स आप देख रहे हैं साइड में पड़े हैं, टूथपिक की हेल्प से इस तरीके से वन बाय वन करके सभी नेल्स पर अप्लाई करेंगे। और सभी नेल्स के ऊपर माइलर लग के रेडी हैं, और अब हम जो है इन सारे नेल्स को क्योर करा देंगे एक साथ। और इसे क्योर कराने के बाद जो है हम इस तरीके से थोड़ी सी थिक जेल देंगे, और थिक जेल देने के बाद जो है हम वो रख के उसे क्योर करवा देंगे। और क्योर कराने के बाद जो है अब बारी है सभी नेल्स को सील करने की। सो इस तरीके से जो है ट्रांसपेरेंट यूवी टॉप कोट यूज़ कर रही हूँ मैं, नॉन वाइप वाली, और बो के साइड्स में भी हम इस तरीके से यूवी टॉप कोट के साथ कवर अप करेंगे, और इसे जो है हम सभी नेल्स को एक साथ क्योर करा देंगे। सो सभी नेल्स के ऊपर यूवी टॉप कोट लगकर हमारा रेडी है, और अब हम इसे क्योर करा देंगे, और ये है हमारी फाइनल लुक। सो आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और हाँ अगर आपने प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, सो ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ एक और नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय। सो गाइज अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास नेल एक्सटेंशन, परमानेंट आई लैशेज एक्सटेंशन, परमानेंट हेयर एक्सटेंशन एंड परमानेंट माइक्रोब्लेडिंग आईब्रोज एंड लिप कलर की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। ओके गाइज, थैंक यू।